चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है कि कल हमने 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 शुरू किए थे, जिसमें से उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था उस पर चर्चा भी किए थे और लिखाए भी थे। उसमें से आज पहला पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था का परिभाषा परिचय। परिचय ऐसे ही आप लोग पहले लिख लीजिए। अब इसके संबंध में एक बार सुन लीजिए, उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी दे सकते हैं कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक देश की सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या फिर तीसरा परिभाषा, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक देश में संपादित होने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था का परिभाषा, परिचय और अर्थ तीनों एक ही साथ हो गया। एग्जाम में या अन्य कहीं कंपटीशन वाले जगह पर या कहीं वैसे भी बोलना हो तो तीनों में से अगर कोई पूछा जाता है, किसी का भी जवाब देना हो, तो हम यही जवाब देंगे जो मैंने अभी अभी जवाब दिया। तो शायद इसको आप समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, अर्थव्यवस्था के संबंध में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने भी परिभाषा दिया है, जिनमें से एक दो विद्वान के विषय में हम लिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ब्राउन के अनुसार लिखिए, ब्राउन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अर्थव्यवस्था को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया है। लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। शायद ये लिख लिए होंगे। एक और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं,
उन्होंने भी कुछ कहा है, उसका नाम है आर्थर लेविस। अब लिखिए आर्थर लेविस के अनुसार, आर्थर लेविस के अनुसार इन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से अर्थव्यवस्था का संबंध है। साथ ही साथ कहा इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इसके आधार पर मानव अपनी आजीविका के साधन को अर्जन करते हैं, जुटाते हैं, वही अर्थव्यवस्था है। तो चलिए लिखिए इसके अनुसार, अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से संबंध रखता है, के संपूर्ण उस व्यवहार से हार से संबंध। मेरे भाई इधर चले आइए आप, यहाँ संबंध रखता है जिस आधार पर, मानव आवश्यकताओं की का परिभाषा, परिचय और अर्थ बड़ी सरलता से समझाने और लिखाने का प्रयास मैंने किया, लेकिन अभी भी अगर आपको इसमें कहीं भी पर भी डॉट है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी कीजिए कीजिए ना, अब जो बोलने कोई दिक्कत है तो पूछिए क्वेश्चन। चलिए तो अच्छी बात है कि आप लोग को ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुआ। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और पेन नीचे रखिए, एक बार सुन लीजिए इसके संबंध में। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, दोनों एक ही चीज हुआ। संरचना मतलब बनावट। कोई भी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे समाजवादी हो, मिश्रित हो या पूंजीवादी है, क्योंकि तीन ही तरह की अर्थव्यवस्था मैंने कल चर्चा की थी, तो उसकी संरचना किस तरह की होती है, उसका संरचना का क्या मतलब होता है। मेरे भाई बनावट अर्थात, बनावट से मतलब होता है किसी भी चीज को बनने में जिस जिस मटेरियल की उपयोग किया जाता है वह उसकी संरचना का भाग होता है। ठीक उसी तरह से अर्थव्यवस्था जो है, इसकी संरचना का भाग कौन कौन है वो बताते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बनावट की भाग है सभी आर्थिक क्रिया। शायद मालूम है कि आर्थिक क्रियाओं के योग को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब हो गया सभी आर्थिक क्रियाएं के योग या सभी आर्थिक विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का समूह। अब हम अर्थव्यवस्था की संरचना का जब अध्ययन करेंगे तो जितनी भी आर्थिक क्रिया है उन समूहों को पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, आर्थिक क्रिया के जो समूह है उन समूहों को तीन भागों में बांटा गया, अर्थात तीन वर्गों में बांटा गया। पहले उन तीन वर्गों का हम नाम लिखेंगे बोर्ड पर, फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अर्थव्यवस्था का संरचना क्या मतलब होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या मतलब होता है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब अर्थव्यवस्था को बनाने वाले जो कारक है, अर्थव्यवस्था में जिस जिस कारक से मेल से अर्थव्यवस्था बना है उसी कारक को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। अर्थात विभिन्न तरह के आर्थिक क्रिया के योग से अर्थव्यवस्था बनता है, अर्थव्यवस्था तैयार होती है। अतः हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना में विभिन्न तरह के आर्थिक क्रिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दो लाइन ऊपर में लिखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का
मतलब विभिन्न विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं के समूह से है। मैंने संक्षेप में लिखा अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं के समूह से है। अब इसी में थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना को आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के समूह को मोटे तौर तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है डैश दे दीजिए।